तो हेलो जी, अभी हमने भाई काजीगुंड वाला जो टोल प्लाजा जो हमने क्रॉस कर लिया, अभी हमने तो हेलो जी अभी हम पहुंच चुके हैं भाई सबसे डेंजरस रोड पे। एक क्या हुआ, गुस्सा क्यों है? तो गाइस देख सकते हैं इनको लेके श्रीनगर आए हैं छुपते छुपाते हुए, घूमते घुमाते हुए। हेलो गाइस, तो अभी हम ट्रैवल कर रहे थे। हेलो जी, जहाँ भी देख सकते हो भाई सुबह के भाई 5:28 हो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग अपने माफिया वैगनार से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम माफिया वैगनार के साथ आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करने वाले हैं। तो फेस टाइम शूट करके बताते हैं भाई आज हम लोग कहाँ निकल रहे हैं भाई इतनी सुबह जल्दी जल्दी। आप कभी कहाँ जा रहा है माफिया वैगनार? दीदी और जीजू को छोड़ने जा रहे हैं स्पेशल। हेलो जी, जैसा कि भाई आप सभी को मैंने बताया आज आपके साथ आपका भाई माफिया वैगनार के साथ जर्नी शेयर करने वाला है। तो अभी सुबह के भाई 5:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ भाई श्रीनगर के लिए। इनकी पोस्टिंग में रह चुकी है श्रीनगर। तो फिलहाल फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि श्रीनगर बाई गाड़ी जा रहे हैं हम लोग, गाड़ी में जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी सुबह से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग जो रहने वाला है आपका भी, फर्स्ट टाइम जो है 4-व्हीलर में जा रहा है, खुद गाड़ी ड्राइव करेगा और जा रहे हैं श्रीनगर के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहने वाला है, कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा वो बताएंगे आप सभी। तो हेलो जी, अभी हम लोग भाई सुबह निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। तो भाई सुबह निकलने का रीज़न ये है, तो दिन को जो है 10-11 बज जाते हैं, तो ट्रक वगैरह चलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी निकल चुके हैं। तो अभी तो फिलहाल हम नगरोटा से पीछे ही हैं, जब थोड़ी सी आगे पहुंचते हैं तो बताते हैं भाई आपको। तो हेलो जी, अभी हम पहुंच चुके भाई सुबह बंटवाल प्लाजा, जहाँ पे सुबह ट्रैफिक लग चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग दूर के लिए ट्रैवल करते हैं तो वो सुबह निकल जाते हैं भाई श्रीनगर वगैरह के लिए। हेलो गाइस, तो अभी हम ट्रैवल कर रहे थे, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो? कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हो? हम अभी श्रीनगर जा रहे थे, तो थोड़ी रेस्ट करने के लिए हम आए हैं प्रेम दी हट्टी खुद वाले। यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। तो अभी यहाँ पे मौसम कैसा है जी बताओ थोड़ा? यहाँ पे बड़ी ज्यादा ठंड है भाई, देख सकते भाई यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, झंडे वगैरह देख सकते भाई जिस हिसाब से झंडे हिल रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप सभी को पता चल सकता है भाई कितनी ठंडी हवाएं चल रही है भाई यहाँ पे। अभी हम पहुंच चुके पहाड़ की वादियों में भाई, चेक करो पहाड़ का व्यू, चेक करो गाइस। तो यहाँ पे बड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई प्रेम दी हट्टी कुद वाले भाई, यहाँ का पतीसा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो हम लोग जा रहे हैं, चाय चाय पीते हैं, थोड़ी रेस्ट चल रही है यहाँ पे। तो भाई देख सकते हो बिहान, जहाँ पे देख सकते हो बिहान जी अंदर जा चुके हैं, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। 5 minutes later तो हेलो जी, अभी हम लोग भाई कुद के एरिया से निकल चुके हैं, तो थोड़ी थोड़ी धूप वगैरह निकलना भी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी रोड वगैरह फिलहाल खाली है। तो बड़ी जल्दी हम लोग पहुँचने वाले हैं भाई जो चनैनी टनल है, जब उसमें एंटर होते हैं तो मिलते हैं भाई आपसे सीधा जाके। बस टाइम हो गया इतना ज्यादा बोलो। हेलो, मेरा नाम है बिहार। कहाँ जा रहे हो? श्रीनगर। क्या करने है? साइकिल चलाने हवा। तो गाइस देख सकते हो ये बंदा जम्मू से इतनी दूर साइकिल चलाने श्रीनगर जा रहा है। तो हेलो जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई जो पत्नीटॉप के पास ही, जैसे फर्स्ट टनल हमने एंटर करनी है जो श्रीनगर के लिए है। तो भाई वहां पे टोल प्लाजा सबसे पहले, जहाँ पे हम अपना आई कार्ड दिखाएंगे जीजू का, तो फ्री में हम जाने वाले भाई यहाँ से। इन्हीं के पास में टनल है, तो इसके तो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, इसमें हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो अभी अंदर से बताते हैं भाई अंदर से कैसी है भाई। जैसे तो अंदर लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ करा गया है। फिलहाल ये 1-way है, डबल साइड है, लेकिन सिंगल साइड ही गाड़ी चलती है, एक साइड से जाने के लिए एक दूसरी साइड से आने के लिए। तो जब पास वगैरह नहीं लेना होता है, बड़ी आराम से अपनी लाइन में गाड़ी चलानी होती है। हेलो गाइस, 20 मिनट्स लेटर। तो हेलो जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई रामबन के एरिया में, तो थोड़ा कच्चा रास्ता आ चुका है, क्योंकि रामबन से लेके बनिहाल तक काफ़ी कच्चा रास्ता है। तो देख सकते हो ट्रक जा रहा है भाई अपने आगे, कितनी दूर मिट्टी उठ रही है, तो ये पाउडर हो चुका है, ऐसे लग रहा है धुंध पड़ रही है जहाँ पे, गर्मी हो गई, धूप वगैरह चढ़ रखी है, वेदर वगैरह काफ़ी अच्छा मौसम है। फिलहाल जा रहे हैं आगे, क्लियर क्लियर रास्ता है, फिर मिलते हैं आपसे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहने वाला भाई, देख सकते हो पहाड़ों का व्यू किस तरह से, शेर जन्नत यही धरती पर बस्ती है। तो वो श्रीनगर
हेलो जी, थोड़ी सी देर के बाद भाई हम लोग पहुंच गए पीड़ा वाले राजमा चावल, जहाँ के काफी ज्यादा फेमस है। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, जहाँ पे हमने थोड़ी सी ब्रेक ली है चाय वगैरह के लिए। चाय वगैरह पीते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर निकल रहे हैं भाई हम लोग जहाँ से। तो देख सकते हो गाड़ी वगैरह टर्न करते हैं भाई, जहाँ से सामने एक छोटी सी टनल है वो भी आपको दिखाते हैं भाई। तो हेलो जी, देख सकते हो भाई सामने ये छोटी सी टनल, पता नहीं कितनी बड़ी है या नहीं है। ऊपर फिलहाल इसकी मिट्टी वगैरह गिर चुकी है, तो अभी बनी हुई नहीं बनी हुई लग रही है मेरे को। तो फिलहाल इसी के अंदर से हमने एंटर होके जाना है जहाँ से। तो ब्रेक वगैरह कर दिया हमने, चाय वगैरह पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कुछ इस तरह की लोकेशन में हम लोग पहुँच चुके हैं अभी। तो अभी टाइम बताते हैं भाई आप सभी को, कितने देर में हम लोग पीड़ा वाली की जगह पर पहुँच चुके हैं। पीड़ा वाले राजमा चावल 8:19 हो रहे हैं, तो अभी हम पहुँच चुके हैं भाई जहाँ पे। तो हेलो जी, अभी हम लोग जो रामबन पुल क्रॉस करने वाले, इसको बोलते हैं भाई रमणे का पुल। किला पुल, रमणे का पुल टपना, रास्ता बड़ा खराब भाई। जो बोलते हैं ना कि रामबन पुल बना है, तो भाई यही वो पुल है, लास्ट पुल है। जैसे हम ये क्रॉस करेंगे हम थोड़ा एंटर हो जाएंगे भाई बनिहाल के एरिया में, जो कि काफ़ी डेंजरस रोड रहने वाला है भाई। नीचे चनाब नदी बहती है, ऊपर से पहाड़ पत्थर वगैरह गिरने की आशंका रहती है। तो इसलिए देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं, एंटर होते हैं जैसे ही, फिर आपको पहाड़ का व्यू बताते हैं। तब तक लिए आप पिंडे देखें। तो भाई जहाँ पे देख सकते हो पहाड़ों से पानी, ऐसे नहीं तो पहाड़ों के नीचे से पानी बहता है। तो भाई जहाँ की ये खासियत है पहाड़ों के ऊपर से पानी बहता है। शीप, क्या बताओ? शीप बताओ, हेलो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं भाई सबसे डेंजरस रोड पे। एक साइड नीचे चनाब नदी बह रही है, ऊपर से पहाड़ गिरते हैं भाई जहाँ पे। तो जहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल जो टनल वगैरह वो बनाई जा रही है, तो देख सकते हो काफी ज्यादा बार काम वगैरह लगा होता है, तो बार बार गिरने की वजह से, तो इसी वजह से काफी लंबा प्रोसेस चल रहा है इसमें। तो भी देख सकते हो काफी डेंजरस वाला रोड है, जो रामबन पुल वगैरह क्रॉस करने के बाद आता है भाई थोड़ा सा ये एरिया, तो काफी डेंजरस है। ऊपर से भी पहाड़ गिरने की वो रहती है, डर रहता है। तो डबल लाइन अभी चल रहा है फिलहाल, बारिश वगैरह होने की वजह से भाई चिकड़ वगैरह हो जाता है यहाँ पे, जैसे आप गिल्ला रोड भी बोल सकते हो। तो अभी आगे बताते हैं आपको आर्टिफिशियल जो टनल है वो कैसे बना रहे हैं। तो भाई जहाँ भी देख सकते हो आर्टिफिशियल टनल जो है कैसे बनाई जा रही है। तो जब मैं बाइक की राइड करने आया था तब भी ये बनी रही थी, आज भी ये बनी रही है, बनी नहीं है अब तक। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से 20 minutes later। तो हेलो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन में, पहाड़ वगैरह, तो ट्रैफिक वगैरह लग चुकी है, वन साइड ट्रैफिक चल रही है। तो अभी खुल चुके हैं, जल्दी से जा रहे हैं हम लोग। हेलो जी, अभी हम पहुंच चुके भाई काजीकुंड के एरिया में। तो अभी हमने टनल वगैरह क्रॉस करनी है, तो जी काजीकुंड टनल के से पहले का व्यू। तो भाई हमने ब्लैक डॉगी भी रखा अपनी वैगन आर में। तो भाई बादलों का व्यू चेक करो, पहाड़ों का व्यू चेक करो, काफी चीज़ को नेक्स्ट लेवल है भाई यहाँ से। बाइक कट करो। तो हेलो जी भाई, यहाँ से एक बार पहाड़ों का व्यू चेक करो आप लोग भाई। अभी हम काजीकुंड के एरिया में, देख सकते हो ऐसा लग रहा है पहाड़ों पे बर्फ, ऐसा लग रहा है बादल भी भाई जो पहाड़ों से टच हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हो ऊपर से, तो
सच में जो है स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना, जीबी मेरे निकाल रहे हैं थरुप जी, चेक करो गाइस बिना स्वेटर के। आपको पता भाई टोल प्लाजा आ चुका है, हमने जो है टोल नहीं देना है क्योंकि जी आर्मी में है और कार दिखाएंगे हम फ्री में जाएंगे। तो हेलो जी, अभी हमने भाई काजीगुंड वाला जो टोल प्लाजा जो हमने क्रॉस कर लिया, अभी हमने टनल क्रॉस करनी है। तो जो उससे पहले का व्यू है थोड़ा फ्रंट कैमरे से शूट करते हैं, वो आप सभी को बताते हैं। काफ़ी भाई बढ़िया वाला व्यू है, जैसे लग रहा है भाई जन्नत में पहुंच चुके हैं हम लोग। आपके साथ आपको आगे की वीडियो बताते हैं भाई कैसा व्यू है अभी, और काफ़ी ज़्यादा ठंड देख सकते हो अभी, आने वाली हवा चल रही है और आपके भाई हेलो जी, अभी आपको भाई आ चुका भाई लेफ्ट साइड। तो अभी जीजू ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेते हैं भाई, जहाँ में देख सकते हो ये काफी पंगेबाज बच्चे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं रास्ते में, पूरे रास्ते में तंग करते हुए आए हैं। ये देखो तुझे अभी डाल दो बीच में डाल दो, काफी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरा फुल वाला। पीछे थर्प जी बैठे हैं और पीछे सिस्टर जी बैठे हैं भाई। तो अभी भाई सामने का व्यू चेक करो किस तरह से पहाड़ियाँ लाइन वाइज पहाड़ियाँ हैं, और ट्रक वगैरह भी लोड गाड़ी काफी ज्यादा चल रहे हैं, इसीलिए ट्रैफिक लगा था भाई रास्ते में, तो थोड़ा टाइम वगैरह लग चुका था हमें। कोई बात नहीं, अभी हम बड़ी जल्दी टनल के अंदर पहुंचने वाले, मिलते हैं आपसे सीधा टनल के पास जाके। 20 minutes later. ओ हेलो जी, अभी हम टनल के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो इसकी लंबाई है टोटल 8.5 किलोमीटर। अंदर देख सकते हो पेंटिंग वगैरह प्रॉपर चल रही है, लाइटिंग वगैरह हो रखी है। तो भाई ये 4 लाइन वाली जो है ये टनल है, तो काफी बढ़िया है भाई, बताते कितनी बढ़िया और क्या गया है इसमें वो भी आप सभी को बताते हैं। तो जैसे हम लोग ये टनल क्रॉस करेंगे वेदर चेंज हो जाएगा भाई, पीछे थोड़ी फिलहाल धूप वगैरह थी, आगे के वेदर का हमें कुछ भी पता नहीं, ठंड जो आगे काफी ज्यादा हो जाती है। तो हेलो जी, अभी हम पहुंच गए भाई काजीगुंड की टनल हमने क्रॉस कर लिया। तो भाई जहाँ का व्यू चेक करो, पीछे धूप वगैरह निकली हुई थी, जहाँ पे बादल वगैरह लग चुके भाई, चेक भाई ऐसा लग रहा है बादल सीधे भाई धरती पे आने वाले हैं बड़ी जल्दी। किस तरह से भाई डिजाइन करके पूरा नाम वगैरह लिखा गया है, इस तरह से जो भाई सरसों की खेती करी गई है यहाँ पे देखो, और भाई पीछे पहाड़ों में बर्फ पड़ी है, और आगे भाई चेक करो किस तरह का बिल्कुल। हेलो जी, जैसे ही भाई हम लोगों ने टनल क्रॉस करी, तो जहाँ भाई 4 लाइन रोड है प्रॉपर, जैसे कि हम पंजाब सिटी में या लखनपुर सिटी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ में भी ऐसा ही रोड है, सिंपली जहाँ में भी वैसा ही रोड है भाई, 4 लाइन रोड आ गया है। तो बादलों का चेक करो भाई, ऐसा लग रहा है धरती पे जन्नत भाई, चेक करो ऐसा लग रहा है भाई बारिश होने वाली बड़ी जल्दी वाली, और बादल लग रहा है भाई धरती पे आने वाली। तो हेलो जी, अभी सीधा रास्ता गया भाई NH44 श्रीनगर की साइड। तो अभी हम जहाँ से जा रहे हैं भाई अवंतीपुरा जाना, हम लोगों ने अवंतीपुरा में जीजू की पोस्ट है, तो यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, जहाँ से रास्ता वगैरह देख सकते हो उनको भी लेफ्ट राइट, तो नीचे से भी गाड़ी वगैरह जा रही है। तो जहाँ की खेतों का व्यू चेक करो, सरसों लगी है, सरसों के बाद ये पेड़ चेक करो भाई, ये मेरे को लगता है जिन लकड़ी के पेड़ जिस लकड़ी से वो बनता है बैट बनता है, जो वो वाले पेड़ है। 20 minutes later. हेलो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं एयरफोर्स बेस अवंतीपुरा, जहाँ पे हमने अंदर जाना है। आगे हम ब्लॉग शूट नहीं कर सकते, सिर्फ अंदर का थोड़ा सा एरिया बताएं। हेलो गाइस, तो हेलो जी भाई, जहाँ भी देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके क्वार्टर के अंदर। वैगनर माफिया वैगनर को भी कोई भर गया था, शीशा नहीं ऊपर करते तो पानी अंदर पड़ता। सामने अपनी महिंद्रा खड़ी है, वहां पे सामान वगैरह उतारा जाएगा, स्कूटी वगैरह भी लोड करिए, वो बताते हैं भाई आप सभी को। तो हेलो जी भाई, आपको अंदर से क्वार्टर बता दे, क्वार्टर कैसा था, यहाँ पे लगे साइकिल पार्किंग वगैरह आ गए, जहाँ पे आ गए खान अथर्व जी, तो जहाँ पे ड्राई रूम कुछ टेबल चेयर मिलती है साथ में, उसके बाद बेडरूम जहाँ पे देख सकते हो अलमेरा शलमेरा, जहाँ पे आ गए इनकी किचन, बर्तन लगाने के लिए स्टैंड और एग्जॉस्ट फैन स्पेशली लगा के रखे, यहाँ पे पूजा रूम, तो भाई ये आ गया ड्रेसिंग रूम, तो ये भी एक रूम मिला है। सामने आ गया बाहर स्टेशन, ब्रश वगैरह करो यहाँ पे खड़े हो गए, और बाथरूम और फ्लैश बाथिंग और लैट्रिन अलग से मिली गई। तो जहाँ पे अथर्व जी बड़े खुश हो चुके, आपको कैसा फील हो रहा है हमें बताया जाए। मैं बयां नहीं कर सकता, इतनी अच्छी यहाँ पे मैं क्या बताऊँ। क्यों तानी साइकिल, तो भाई जम्मू से स्पेशली इनके लिए साइकिल स्कूटी सारा कुछ पैक करके आ चुका है, अनबॉक्स करते हैं साइकिल। तो हेलो जी, अभी देख सकते हैं भाई हमने क्वार्टर के अंदर सारा सामान शिफ्ट कर लिया अपना, जो भी जम्मू सिटी से सामान लाया, तो जहाँ पे आपके भाई ने बेड वगैरह फिटिंग करके दे दिया, अभी इनको स्क्रू वगैरह लगाने थे वो फिटिंग हो चुकी है,
तो जहाँ पे प्रॉपर सामान वगैरह भी अपना पड़ा है, कुछ फिटिंग चल रही है, जहाँ पे भगवान जी खड़े हैं, क्या हो गया इनको? लगता है किसी ने मारा है इनका। तो क्या हुआ आपको बताओ ना, क्या हुआ, क्या हुआ, गुस्सा क्यों है? तो गाइस देख सकते हैं इनको लेके सिलेंडर कराया, ये छुपते छुपाते हुए घूमते घुमाते हुए ये दोबारा मिल गए हमें, देख सकते कितनी शर्म आ रही है। तो गाइस बताओ ना क्या बात हो रही है, क्या हुआ बताओ ना, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गाइस छोटे बच्चे गुस्सा नहीं करते, देखो ना, देखो ना कैसे गुस्सा कर रहे हैं। तो हेलो जी, आज है भाई यहाँ पे हमारा दूसरा दिन, थोड़ा हमने घूमा वगैरह, क्वार्टर में फोटो शूट वगैरह करा है। तो भाई यहाँ आपको थोड़ी सी वीडियो शूट करते हैं जिसके बैक कैमरे से, आईफोन से। तो यहाँ का जो लोकल व्यू है भाई, जो काफ़ी यूनिक और नेक्स्ट लेवल का व्यू है, वो वेदर का व्यू, वो जो आपको जहाँ से बताते हैं भाई अपने फ़ोन में शूट करते हैं। अभी हमारे थर्व जी भाई जहाँ रहने आ चुके हैं कश्मीर की वादियों में, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है बताएं हमें। यहाँ पे पहली बात तो मेरे को आके बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हरा भरा है, हर जगह इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, हम कुछ आपको बता नहीं सकते, कोने कोने में कैमरा लगा है, और यहाँ पे इतनी ठंड है कि आप देख सकते हैं हमने स्वेटर हुड पहनी हुई है। और गाइस जम्मू में हम लोग फैन लगा के रहे थे, जहाँ पे हम लोग स्वेटर लगा के रहे थे।